नमस्कार। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का मतदान हुआ है। भाजपा की प्रत्याशी जयंती राजपूत और निषाद पार्टी के दुष्यंत सिंह परिहार की टक्कर हुई है। सुबह 11 बजे से मतदान दोपहर 3 बजे तक कलेक्ट्रेट में जारी रहा है। 17 जिला पंचायत सदस्य में मतदान हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी। सुरक्षा व्यवस्था में 2 सीओ, 6 इंस्पेक्टर, 1 प्लाटून पीएसी सहित 1 सैकड़ा कांस्टेबल मौजूद है। आज जिला कलेक्ट्रेट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चला है। अध्यक्ष पद के 2 प्रबल प्रत्याशी दावेदार मैदान में उतरे हैं। भाजपा से जयंती राजपूत व निषाद पार्टी के दुष्यंत सिंह परिहार, इन प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। 16 साल के बाद यह मतदान हो रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खबर सुल्तानपुर से है। ताइक्वांडो एवं किक बॉक्सिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी रामबरन पीजी कॉलेज विभारपुर सुल्तानपुर बीए तृतीय वर्ष की छात्रा अमीना बानो ने जिला जेल सुल्तानपुर की महिला बंदियों को ताइक्वांडो एवं किक बॉक्सिंग सिखाया है, जिससे वे स्वयं की आत्मरक्षा कर सके। महिला बंदियों ने इस अवसर पर उत्सुकता से सिखाए गए सभी तरीके सीखे। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला अधीक्षक आचार्य उमेश सिंह, जेलर अपूर्वव्रत पाठक, दीप्ति जेलर शेषनाथ यादव, कंवर नयन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। रामबरन पीजी कॉलेज विभारपुर जयसिंहपुर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने छात्रा अमीना के प्रयासों की सराहना की। बीसीएन न्यूज के लिए सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला हापुड़ की सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 15,000 रुपए न होने पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव का करीब 2.5 माह बाद आज अंतिम संस्कार किया गया। मृतक युवक अप्रैल माह में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके इलाज के दौरान मेरठ रेफर कर दिया गया था। मेरठ में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस दौरान व्यक्ति की पत्नी से अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर द्वारा कहा गया कि अंतिम संस्कार के लिए शव देने के लिए 15,000 रुपए लगेंगे, तब शव दिया जाएगा, वरना हम लोग ही अंतिम संस्कार कर देंगे। इसके बाद पत्नी पैसे का इंतजाम करने हापुड़ आ गई, किंतु उसके शव के लिए 15,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो सका और उसने अस्पताल द्वारा अंतिम संस्कार की बात सोचकर शव लेने नहीं गई और हापुड़ से अपने 2 बच्चों को लेकर अपने गांव चली गई। अब करीब 2.5 माह बाद अस्पताल को शव की सुधाई। अस्पताल द्वारा शव को परिजनों के इंतजार के लिए रखा हुआ था। जब 2.5 माह बाद भी कोई शव लेने नहीं आया, तो मेरठ अस्पताल ने शव को हापुड़ स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन पहले शव को जीएस मेडिकल कॉलेज में रखवा दिया और प्रशासन के सहयोग से परिजनों को ढूंढने लगे। आज जब परिजनों का पता चला तो परिजनों को शव दे दिया गया और एक एचईओ के माध्यम में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस मामले में हापुड़ सीएससी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री का कहना है कि मृतक के भाई को मेरठ के अस्पताल से पॉजिटिव की बात बताई गई थी, लेकिन वह यह बात सुनकर भाग गया था और तब से अब तक अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ भी किया हुआ है। लेकिन अब मृतक के मकान मालिक व उसकी पत्नी को ढूंढकर शव उनके सुपुर्द कर दिया गया है और शव का अंतिम संस्कार भी एक एजीओ के माध्यम से करा दिया गया है। लेकिन जब मृतक के मासूम बच्ची और पत्नी जब स्मशान पर अंतिम संस्कार के लिए आई, तो उनके आंसू रोके ना रुक रहे थे। हालांकि अस्पताल कोरोना से मृतक का शव ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सर, आज एक 2.5 महीने बाद एक बॉडी मिली है कोरोना पेशेंट का, तो क्या है? ऐसा था कि एक मरीज यहाँ पे कोई था, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ था, जिसको उनका भाई वहां ले गए थे मेरठ में। इनका भाई इनको छोड़ के, जैसे पता चले कोरोना का मरीज है, इसको वहां से छोड़ के चला गया था, किंतु इलाज के दौरान प्रयासों के बाद बचाने के बाद डेथ हो गई थी। जब कोई बॉडी को वहां लेने नहीं आया, तो उसकी सूचना हमारे सीएमओ कार्यालय में सीएमओ मैम को मिली, तो सीएमओ मैम ने वहां से उस बॉडी को मंगवा कर यहां जीएस मेडिकल कॉलेज के मोर्चूरी में रखवा दी गई और इनके परिवारजनों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। काफी प्रयास किए गए, जो नंबर हमारे पास था वो नहीं प्राप्त हुआ, किंतु जब प्रशासन और पुलिस की मदद ली गई, तो पुलिस ने पूरी तहकीकात करके और इनके सर्विलेंस में लगा के तब ये जाके पता चला कि ये लोग इसको छोड़ के मतलब बिहार जा चुके हैं। अब इनके परिवारजन संपर्क करके इन्हें बुलाया गया और उस बॉडी को इन्हें हैंड ओवर कर दिया गया और इसमें एक यहाँ की नीट फाउंडेशन की मदद से इनका दाह संस्कार कराया जा रहा है, क्योंकि नीट फाउंडेशन ने ही यहाँ पर
जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिन पे पैसा नहीं होता वो नहीं होता तो दाह संस्कार की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं और उनकी ही प्रेजेंस में ये दाह संस्कार कराया जा रहा है जिसमें इनके परिवारजन भी हमारे साथ। गुड़िया जी आज आप शमशान घाट यहाँ आई हैं तो क्या मामला है? अपने पति को लेकर आई हूँ। क्या हुआ था उन्हें? उनकी तबीयत खराब थी जी। हम सरकारी में ले गए थे 13 तारीख में, सरकारी में हापुड़ में दिखाए थे, सरकार में उसमें कहीं कोरोना नहीं था। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दी मेरठ के लिए। मेरठ में 13 ठीक थे, 14 ठीक थे। 15 तारीख को 1:30 बजे रात में ले गए, बता दिए कोरोना है। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खाए, पानी पिए, बात किए, वो सो रहे थे, उन्हें एकदम कोरोना बता के ले गए। 6 बजे हम वहाँ से निकले, जैसे हमारे पास कॉल कर दिए वो तो खत्म हो गए। हमने गुरुद्वारे में पैर नहीं रखी, बस उन्होंने फोन कर दी वो तो खत्म हो गए। हम वहाँ पे जाके जैसे मतलब बॉडी मांगने लगे तो बॉडी को उन्होंने पैसे मांगने लगे, तो कह रहे हैं 15,000 रुपए चाहिए, जो बॉडी चाहिए तो डॉक्टर ने। अच्छा डॉक्टर ने 15,000 रुपए मांगे थे, मेरे पास में पैसे थे नहीं। अच्छा मैं पैसे लेने घुराई थी, मेरे इंतजाम हो ना पाया। अच्छा तो उन्होंने फोन कर दी कि मतलब हम अंतिम संस्कार कर देंगे। अब हमें तो मालूम नहीं था इसलिए हम घर चले गए थे। तो जब अब पुलिस वालों को फोन आया जब मैं आई यहाँ पे। नहीं ये बताइए 2.5 महीने से बॉडी आए तो क्या आपको जानकारी नहीं थी 2.5 महीने से? जी नहीं मेरी जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने कही थी मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा तो इसलिए हमने चले गए। बता रहे हैं कि इनके जो भाई थे वो छोड़ के चले गए थे बॉडी को, वो भाई वो पैसे मांग रहे थे इसलिए छोड़ के चले गए थे, पैसे नहीं थे हमारे साथ। आज हमारे पास पैसे होते तो हम लेकर ना आते। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। देवास नेमावर के अपहरण दुष्कर्म जघन हत्याकांड के विरोध में खातेगांव रात्रि 8 बजे खेड़ापति मंदिर से पुलिस थाने तक कैंडल मोमबत्ती लेकर रैली निकाली गई, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। जितेंद्र सिंह बलोदिया के द्वारा बताया गया कि हमारी आदिवासी बहनों को कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि दी गई। अगर हमारी बहनों के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं दी जाती तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। जैसे आप सभी को विदित है और सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र खातेगांव के सभी मीडिया कर्मचारी, सभी प्रिंट मीडिया वाले पत्रकार बंधु सभी का बहुत बहुत आभार भारतीय गोंडवाना मूल संगठन की ओर से, जिन्होंने प्रथम दिवस से लेकर तो आज तक नेमावर में जो दुष्कर्म हुआ है, नेमावर में जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उस खबर को पूरी दमदारी से और पूरी दिलो जान लगाकर उसको कवरेज दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हमने जो नेमावर में एक आदिवासी दलित परिवार जिसके 5 सदस्यों को मार कर दफना दिया गया था जमीन में, जिस प्रकार सभी को प्राय प्राय मेरा ऐसा मानना है कि सभी को विदित है, सभी को मालूम है उसके बारे में, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने शिव चरणों में जगा दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इस हेतु खातेगांव खेड़ापति मंदिर दाना बाबा गोंडी मोहल्ला से एक कैंडल मार्च का शुभारम्भ किया गया था और खातेगांव थाने के सामने श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इसमें हमें खातेगांव नगर के सभी माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और सभी वर्गों का हमें बहुत बहुत सहयोग मिला, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आगे हमने ये मांग रखी है पत्रकार के माध्यम से भी, मीडिया कर्मचारियों के माध्यम से, कि इस पूरे हत्याकांड की CBI जाँच हो, क्योंकि जिस प्रकार हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें कोई एक अपराधी नहीं है सुरेंद्र सिंह, उसके भी अलावा बहुत सारे लोग हैं, यदि इसकी CBI जांच होती है तो इसमें हमारा ऐसा मानना है कि इसमें सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं आज वर्तमान में जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उनके भी नाम आएंगे, बड़े बड़े खुलासे होंगे, इसलिए हमने सबने आज कैंडल मार्च के बाद में श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने के बाद में 2 मिनट का मौन रखने के बाद में हम सभी ने
सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बुलंद की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से महेश वारिया के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यू ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।